दिखा देता हूँ, कैंप हमारा लग गया ये रहा। और ये मैंने अपना चूल्हा चालू कर दिया है। भाई एकदम फ्रेश पानी, एकदम जिसे कहते हैं फ्रेश हो गई है, खराब मेरा हालत हो गई, बहुत ज्यादा खराब। लाइन है बहुत लंबी, बहुत पहाड़ पे लौट गया, इसके पीछे खाइए खाई। दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ ऋषिकेश में, और ऋषिकेश में दोस्तों अभी आपको पता ही हुआ, हाल ही में हम आए थे अभी कैंपिंग करने के लिए, तो उससे थोड़ा सा ऊपर चल के एक छोटा सा एक झरना बह रहा है, और यहाँ पे देखेंगे ये बना रखा है बहुत प्यारा है। तो हमने सोचा कि यहीं पर थोड़ा सा स्टे करते हैं, बैठेंगे थोड़ा सा, अपना चाय नाश्ता पानी यहीं होगा, नहीं नहाएंगे धोएंगे वहीं, फ्रेश होकर तैयार होंगे यहीं पर। तो यहाँ मैं अपना कैंप लगा रहा हूँ, और उसके बाद देखते हैं फिर बाकी की अपडेट दूंगा। फिलहाल अभी पहले ये कैंप लगा लेते हैं, ठीक है। छोटी सी झलक मैं आपको दिखा देता हूँ, कैंप हमारा लग गया ये रहा, कैंप हमने लगा लिया भाई, और रिवर अपना यहाँ बह रहा है भाई। तो आराम से थोड़ी देर में इसमें नहाएंगे, एंजॉय करेंगे, और अभी हम थोड़ी सी चाय बना लेते हैं, चाय का भी जुगाड़ है दोस्तों, चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। उसके बाद ही फिर नहाई धोई करेंगे यार, हरिद्वार से तो मैं नहा के आया हूँ, तो पहले चाय बना दोस्तों। ओरिजिनल चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, मैं चाय बना रहा हूँ, और ये मैंने अपना चूल्हा चालू कर दिया है, ये सिलेंडर है हमारा, और व्यू नीचे का बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा है। और ये हमारा छोटा सा कैंप, मैं दिखा, छोटा सा कैंप आप देख सकते हो, मस्त बढ़िया एकदम सोएंगे आराम से। मैं नीरू भाई तो मैगी निकाल दी भाई बनाने के लिए, मैंने चूल्हा क्या लगाया, इन्हें मैगी निकाल दी, बट अभी पीने का चाय में, चाय तो चाय पियेंगे दोस्तों, और उसके बाद देखेंगे भाई नहाना धोना जो भी करना होगा, ठीक है। सकते हो दोस्तों उबाल आना चालू हो गया, चीनी मैंने इसके अंदर डाल दी है, और मिल्क हमारा ये रहा, ये मिलाएंगे, छानने झानने का और चाय पत्ती का झंझट ही ख़त्म, मस्त भाई मज़ा आ गया। इसके बाद हम नीरू कह रहे हैं मैगी बनाना, मैंने कहा रुक के बनाएंगे नहाने के बाद, पहले चाय पी। तो फाइनली हो गई अपनी चाय तैयार, ये रही ये नीरू भाई की, और नीरू भाई लेटते हुए मज़े कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं भाई। अब चाय पी, चाय बहुत बढ़िया बनी दोस्तों, मज़ा आ गया, थोड़ी कम बनाई मैंने, मुझे लग रहा छोटे वाले गिलास लाएगा, लेकिन बड़े वाले ले आया, लेकिन काफ़ी हो गई भाई। फाइनली चाय तो हमारी बनके तैयार हो गई, चाय हम पी रहे हैं, लगा लिया है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और नहाएंगे धोएंगे, मस्त दिखा का बाहर का भाई। और नीरू भाई नहा लेते हैं, ये देखिए मस्त, इसको यहाँ रख देता हूँ फोन को, और इसको है पहले एक बार घुसते हुए वीडियो बना लेते हैं, थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं दोस्तों, उसके बाद रख देंगे, ठीक है। ठंडा पानी ये देखो भाई, चल 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 थोड़ा सा तो अंदर चल, एक डुबकी लगा के फिर फोन रख दूंगा भाई, चल भाई मस्त भाई, पानी देखो कितना क्लियर है दोस्तों, एकदम साफ पानी है ना, है ना, ओह ठंड लग रही है, वाह मजा आ गया भाई, आहा भाई तो जा, पहले मैं मार लूँ डुबकी, ठंडे ठंडे पानी में घुसते हुए एक डुबकी बढ़िया वाली निरवाई, ये बात, एक और एक और एक और, बहुत बढ़िया। चलो फोन रख के साइड में फिर नहाए भाई, फोन रखने साइड में और आराम से नहाते फिर है, थोड़ी हाइट कम है, थोड़ी हाइट कम है दोस्तों, लेकिन मज़ेदार है भाई, ये भाई ले आए हैं भाई बिल्कुल झरने के नीचे, बच बच के बच बच के बच बच के, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया हो गए रेडी, और कैंपिंग का सामान कर रहे हैं पैक, क्योंकि अब हम निकलेंगे नीर झरने की तरफ। तो ये देखो नीरू भाई सामान पैक कर रहे हैं, और काफ़ी क्राउड बढ़ता जा रहा है दोस्तों पीछे, क्योंकि आज संडे भी है दोस्तों, संडे होने के कारण से लोग ज़्यादा आएंगे, ये तो खैर है ही, लेकिन संडे या शाम तक सारे भाग जाएंगे, और हम जाएंगे ऊपर की तरफ, मतलब कि बद्रीनाथ की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो छोटा सा ब्लॉग जो हमने यहाँ पर बनाया था, ये अभी हम ऋषिकेश का रखने वाले हैं शाम तक, ठीक है। आज दिन ऋषिकेश के नाम, हाँ मज़ा आ गया नीरू यहाँ पे।
दोस्तों मजा आ गया सच्ची में, ना तो को भाई एकदम फ्रेश पानी, एकदम जिसे कहते हैं फ्रेश पानी चल रहा भाई यार। तो एक दो फोटो खिंचवा रहे हैं फिर निकलने हम यहाँ से। तीसरे टारगेट पे नील वाटरफॉल, नील झरना है दोस्तों ये काफ़ी हाइट पे है। अभी हम इसके ऊपर जा रहे हैं, अब देखेंगे और बाकी अपडेट देंगे। अगर नहाने की इच्छा हुई तो ठीक है, नहीं तो भैया अपना एंजॉय करेंगे, फोटो वोटो खिंचाएंगे और नीचे आ जाएंगे भाई। ठीक है नीर भाई, ओके। यार नीर वाटरफॉल की टिकट है 30 रुपये की पर पर्सन, और ये देख सकते हो आप लाइन लगी हुई है। पहले यहाँ से टिकट लेनी है, दिखानी है, ये चेक पोस्ट बना रखा है, उसके बाद ही ऊपर एंट्री होगी। तो जितनी भी गाड़ी आ रही हैं वो सब टिकट लेते हुए आ रही है। ठीक है दोस्तों, अच्छा है यहीं पर टिकट का काम ख़त्म हो गया, ये भी सही है। नीरू भाई हमारे लगे हैं ये रे हेलमेट पहन के। तो दोस्तों थोड़ी सी गर्मी हो गई है क्योंकि लग नहीं रहा था, लेकिन अब पसीना आने चालू हो गए हैं। लेकिन इन्जॉय करने आए हैं दोस्तों, पूरा घूम के जाएंगे। और इस टाइम टाइम हो रहा है, टाइम तो बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अरे यार ये सेंसर काम नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ब्लैक वाला ये पहन रखा है ना। 9:30 हो रहे हैं दोस्तों, और 9:30 मौसम वाला, इतनी तेज धूप तो नहीं है लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है तो चलते हैं भैया पूरे सेफ्टी के साथ चलने भाई ऊपर, और फिर झरने की अपडेट देते हैं। तो भाई पहुँच चुके हैं भाई अपनी लोकेशन पर नीर वाटरफॉल, तो अब चल रहे ऊपर की ओर, थोड़ा सा हाइट पर है ये देखिए। बाकी ऊपर का नज़ारा और दिखाएंगे अभी हम आपको। भाई चढ़ते चढ़ते तो सांस फूल गई, लेकिन पहुंचने वाले हैं। नीरू भाई पीछे रह गए, आ रहे हैं अभी। ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, नील झरने का, और ऊपर से झरना आ रहा है, तो अभी ऊपर चढ़ना है हमें। तो हम जा रहे हैं भाई ऊपर की साइड, क्योंकि यहाँ तो दोस्तों गंदा पानी आ रहा है। लोकेशन तो इससे भी ऊपर है, लेकिन हमारी हालत हो गई ख़राब चढ़ते चढ़ते, तो फ़िलहाल हम यहीं नहा रहे हैं भाई। ये भी अच्छा बना हुआ है, बढ़िया। तो चलते हैं भाई इसी में नहा लेते हैं क्योंकि पसीने पसीने हो गए हैं, हालत हो गई है ख़राब। चलते चलते नीचे से चलते हुए आ रहे हैं, अभी बोले जितने चढ़े उतना हो रहा है तो ऊपर हाइट है। ठीक है भैया हम तो यहीं नहा रहे हैं दोस्तों। तो भैया वाटरफॉल के नाम पे भैया गंदे में नहला रहे हैं, इतनी भीड़ है कि भैया गंदा पड़ा है पूरा, मेरा तो देख के मन ही नहीं कर रहा नहाने का। नीरू भाई भी कह रहा मैं भी नहीं नहाऊंगा। तो भैया चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद निकलेंगे, क्योंकि चाय की हमें आदत, थोड़ी सी चाय पीने और फिर निकलते हैं दोस्तों। लेकिन भाई ये है कि थोड़ा सा ऊपर तक देख लिया, थोड़ा सा एक ब्लॉग शूट कर लिया कि भैया ऊपर झरना है अपना नील झरना, हम आए सारी अपडेट के लिए। लेकिन मेन तो हमारा मोटिव आगे जाने तक का है, तो बीच में जो जो स्टेप पड़ रहे हैं उन्हें कम्प्लीट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है तो चलते हैं दोस्तों चाय पी। भैया जिसमें लोग नहा रहे हैं, बट लेकिन गंदा बहुत पड़ा है दोस्तों, इसलिए नहाने का मन नहीं कर रहा। इतने चढ़े थे उससे ज़्यादा उतरना पड़ रहा है। उतर तो हम जाएंगे, उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। तो फिलहाल हम उतर रहे हैं भाई, नए हम थे नहीं, पानी हमें लगा थोड़ा बताइए साफ पानी, और ऊपर जाने की हिम्मत हुई नहीं हमारी। तो हम नीचे चलते हैं भाई, कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर आगे का अपना जो रास्ता है वो तय करेंगे। हम तो अगले को कहेंगे आए नए तक। अभी ना आए है ना, संडे सैटरडे संडे ना आए। चलो भाई, तो भाई बद्री और केदारनाथ जाने का रास्ता आ गया है ये देखो दोस्तों। ऋषिकेश भी हमने पार कर लिया है, बस ऊपर के लिए चल रहे हैं शिवपुरी के लिए। शिवपुरी वाला रास्ता भी है, और बद्रीनाथ केदारनाथ सीधा इसी से निकलते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री यहीं से कटेगा आगे से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं ऊपर की साइड। चार धाम की यात्रा से लौट रहे टूरिस्टों ने लगाया जाम, देख सकते हो दोस्तों। ये जो लौटने वाले टूरिस्ट हैं, आज संडे है और संडे की शाम है, तो लौटने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं उन्होंने जाम लगा दिया है, रॉन्ग साइड ले लेंगे गाड़ी को। डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल लाइन हो गई है ऊपर से, ये राफ्टिंग वाले इनकी वजह से भी बहुत दिक्कत है, बड़ी दिक्कत हो रही है। और हम जा रहे हैं भैया बद्रीनाथ, और आने वाले लोगों ने ये देखो जाम लगा रखा है, और कुछ नहीं है। और सबसे ज़्यादा इनमें हमारे दिल्ली NCR के लोग हैं, थोड़ी सी वीडियो और दिखा देंगे मेरे पास। नीलकंठ का रास्ता आप देख सकते हो, नीलकंठ 17 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, और ये नीलकंठ वाला ब्रिज बहुत बढ़िया और शानदार। ये राफ्टिंग हो रही है, नीलकंठ नील भाई पहली बार जा रहा है ना, बड़ा रोहित कहता है।
पुलिस वाले अंकल आ रहे हैं तो बंद वाला रास्ता तो हमने तय कर लिया है। अमित 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 तेरे नाम की चाय निकाल दी। अमित के नाम की चाय निकालना, खाना निकालना है। खाना निकाले निकालते हुए यार खाना भूल गया यार, हमने खाना खा लिया। हमारा दोस्त अमित नहीं आया बेचारा, हम उसे मिस कर रहे हैं। उसके नाम की चाय निकाल ले, खाना निकाल ले। तो भाई नीलकंठ हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, हमने सोचा रुक के भैया खाना वाना खा लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और हम पहुँच जाएंगे। अभी 1:30 बज रहा है तो तकरीबन हम 2:30 तक पहुँच जाएँ, 1 घंटे का 1 घंटे में। हाँ फिर हम सफ़र मतलब माँ दर्शन जल्दी हो गए तो हम 4:30 बजे तक नीचे उतर भी जाएंगे और उसके बाद देखते हैं भैया हमें कहाँ स्टे करना है रात को। ठीक है, तो पूरा ब्लॉग ये वाला भी मैं रात को आज का यहाँ रखूँगा नीलकंठ तक का। ठीक है दोस्तों, तो निकलता हूँ थोड़ी देर। आ गया नीलकंठ, देखो निरुपमा ने तौलिया रख लिया, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, अब धूप निकल गई है। तो भैया मंदिर के अंदर जा रहे हैं और दर्शन करते हैं, भोले बाबा का नाम लेते हैं और फिर आगे की यात्रा अपनी चालू करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी अपडेट दे दूँगा, मंदिर के अंदर शायद वीडियो अलाउड होगी नहीं तो बाहर से थोड़ी सी एंट्री दिखा दूँगा बस। ये दोस्तों नीलकंठ बाबा की नगरी और ये है मार्केट पूरी नीलकंठ की, देख सकते हो। तो भीड़ काफ़ी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत दूर तक मैं निकलते 3 किलोमीटर से पहली गाड़ियाँ रोक दी थी, तो हम तो खैर बाइक से थे तो हम तो आगे तक आ गए। चलते हैं भाई आगे की साइड और दर्शन करने हैं बाबा के पहले। भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, हालत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब, लाइन है बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा लाइन लंबी है। चढ़ते चढ़ते बहुत ज़्यादा मतलब थक गए हैं। नीरू भाई थोड़ा सा नीचे हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ। लाइन आप देख सकते हो मेरी, बैक कैमरे से दिखाता हूँ और चेहरे से पता ही चल रहा होगा दोस्तों कितना बुरा हाल हो रखा है। लेकिन ये था कि दर्शन करने आना है तो देखते हैं करके जाएंगे दर्शन। अभी लाइन दिखाता हूँ मैं आपको, बस बाबा के जयकारे हर हर महादेव। हमारे भोले बाबा की नगरी नीलकंठ आए हुए हूँ दोस्तों और लाइन देख सकते हो आप, बहुत दूर तक लाइन है। ऊपर तक है, अभी तो मैं लाइन में लगा भी नहीं हूँ। तो फाइनली भाई मंदिर के पास तक पहुँच चुका हूँ मैं, सामने मेरे मंदिर है आप देख सकते हो। ये रहा मन्नत का धागा, नीरू भाई के कहने से मैंने बांध दिया है। नीरू मन्नत बस पूरी होनी चाहिए और करीबन करीबन 1 घंटा 20 मिनट हमको हो गया लाइन में खड़े खड़े, लेकिन अब जाके हमारा नंबर आ गया है। भीड़ आप देख ही सकते हो दोस्तों, ज़बरदस्त भीड़ है और बाबा की धुई। ये भाई अपना मंदिर, अब धूप बत्ती जलाते हैं और भाई पूजा करते हैं। इधर धूप बत्ती जलाने का दे रखा कि इधर जलाई त्रिशूल के पास, तो धूप बत्ती लेता हूँ भाई, धूप बत्ती मिली है। हर हर महादेव, जय श्री शंकर। मौसम हो रहा है इतना बढ़िया जैसे बारिश आएगी। चलते हैं भाई, बस धूप बत्ती जला दूँ। बढ़िया दर्शन हो गए, बढ़िया पूजा हो गई दोस्तों, पर ये था थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, मंदिरों में तो टाइम लगता ही लगता है दोस्तों, तभी फ़ायदा है। ये रहे हमारे नीलकंठ देव, ये देखो नीरू बाबा की खुजली हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये एग्जिट हो गई हमारी, हम आ गए मंदिर से बाहर, दोनों के हाथों में जूते। डर तो मुझे ये लग रहा था कि हर बार मंदिरों से जूते गायब हो जाते, मैं कहा कि जूते खो ना जाए भाई, ये वाला तो वैसे भी मैं अभी लाया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ। तो चलते हैं भाई और देखते हैं अब भैया आगे का सफ़र किस तरीके से मैं तय करना है। अब मौसम थोड़ा खुला हुआ लेकिन लग रहा था जैसे बारिश आएगी। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों और बाकी अपडेट चाय के साथ देंगे दोबारा, अब चाय पीने का दोबारा मन कर रहा है। तो दोस्तों चाय पीने के लिए, और देखो पीछे का इतना अच्छा व्यू है। एक्चुअली इस साइड ना कैंपिंग की जगह है, इधर कैंप है बहुत सारे, पहले इधर मैं ऑफिस वालों के साथ आया था तो इधर ही रुका था। हमारे जानने वाले हैं भैया कल्लन जी,
उनके कैंप है, तो बढ़िया कैंप बना रखे हैं। तो मैं कहा थोड़ा रुक के चाय पी लेते हैं और उसके बाद चलते हैं, स्टे करेंगे हम। फिलहाल एक दो इंस्टाग्राम पे वीडियो बना लेता हूँ, अगर नीरू भाई हमारा बना देता हूँ, फिर बाकी चलने के बाद ब्लॉग एंड करेंगे और फिर पोस्ट करने की कोशिश करेंगे अगर हो जाएगा तो। ठीक है, तो भैया रास्ते में थक गए थे तो रुक गए थे, नीरू भाई पहाड़ पर लौट गए, उसके पीछे खाइए खाई। मज़ेदार दोस्तों, मज़ा आ रहा है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा लग रही है। अब देखो हम कितनी देर तक पहुँचेंगे, लेकिन ये हमने सोचा भाई रुकते हुए चल देंगे। तो ये अच्छा सा पॉइंट लगा, हमने रुके थोड़ा सा थोड़ी सी हवा खाने के लिए, क्योंकि तो भैया इसको भी थोड़ा सा बाइक ठंडा करना है। ये रही हमारी बाइक और ये बढ़िया वाले पहाड़, देखो नज़ारा अच्छा, मैं भी दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये देखो दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा है, और ऊपर की साइड तो शायद बारिश भी हो रही है, देखते हैं क्या किस्मत में मिलने वाला है हमें। पिछली बार तो बर्फ़ भी मिल गई थी केदारनाथ में। भाई साहब गाड़ी वालों की वजह से तो बहुत जाम है भाई, एक वीडियो मैंने डाली भी आपने देखा होगा, इतना जाम गाड़ी वालों ने लगा रखा है। आज एक्चुअली संडे है, संडे से वापस लौट रहे हैं तो उसकी वजह से और ज़्यादा जाम लग गया। चलो कल हमें खाली मिलेगा, मतलब जिस जगह भी हम जा रहे हैं तो खाली मिलेगा कल। आज हर जगह भरी हुई मिली हमें, इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा, मंदिर में हमें बहुत टाइम लग गया। हाँ यार नीलकंठ में बहुत टाइम लग गया, डेढ़ घंटा पूरा नीलकंठ में लाइन में खड़े रहे भाई। चलो कोई बात नहीं, भगवान धीरे धीरे बुलाते हैं, ऐसे नहीं कि तुम्हें आए और झटके से पूजा करी और निकल गए, आराम आराम से सेवा कराते हैं। ठीक है, तो अब वीडियो बना लेते हैं, एक दो रील और बनाते हैं भाई। तो वेलकम टू श्रीनगर, तो दोस्तों हम पहुंच गए श्रीनगर, टाइम हो रहा है आपका 9:16, श्रीनगर हम आ गए। ये एंट्री गेट है भाई, ये देखो कितना प्यारा बना रखा है। तो भाई अपना हमने सोचा यार पहले श्रीनगर का टारगेट था हमारा कि श्रीनगर में रुकेंगे, हमारा पहले बीच में बना था प्लान रुकने का, लेकिन अब श्रीनगर रुकते हैं भाई, 2 मिनट गाड़ी को देते हैं रेस्ट और फिर तो चलते हैं आगे। हाँ रुकना, ऐसे ऐसे दिखा देता हूँ ना, ये दिखेंगे, ये सब श्रीनगर के अंदर है। हाँ ये सब श्रीनगर के अंदर है नीरू। चलो तो भाई कमर दुख गई भाई चलाते चलाते बाइक, थोड़ा तो थकावट हो ही जाती है। देखो दोस्तों बाइक और गाड़ी में तो फ़र्क होती है, लेकिन एक मतलब हैबिट होनी चाहिए, हमें हैबिट है नहीं इस चीज़ की, लेकिन हमने आज कोशिश करके भाई खींच ही दिया रास्ता, और आज हमारे टारगेट बहुत ज़्यादा कंप्लीट हुए हैं ना नीरू। और देखो श्रीनगर का सोचा नहीं था और श्रीनगर भी पहुँच गए भाई, इतना घूमने फिरने के बाद भी। ठीक है तो चलते हैं भाई, होटल लेंगे, देखते हैं जब पहले रुके तो वही ले लेंगे, नहीं तो दूसरा लेंगे, और उसके बाद ब्लॉग को एंड कर दूंगा भाई, होटल में पहुँच गए। ठीक है तो भाई फाइनली आ गया रूम पर, तो पहले मुँह हाथ धो के फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद छोटी सी बात करेंगे और उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे, क्योंकि चार्जिंग में नहीं है, चार्जिंग है बस 4%, मतलब फ़ोन कभी बंद हो सकता है, तो पहले फ़ोन चार्जिंग पर लगा लेता हूँ। ठीक है तो दोस्तों नहा धो के हो गया हूँ एकदम रेडी भाई, और बाल भी देखो कितने अच्छे लोग हैं, शैम्पू करें भाई तो बढ़िया हो गए। तो दोस्तों कल का सफ़र हमारा रहेगा बद्रीनाथ का, तो बद्रीनारायण के दर्शन करने हैं हमें, तो और गर्म कुंड में नहाना ज़रूर है भाई, और कहने का मतलब ये है कि वहाँ कल ठंड होने के पूरे बहुत ज़्यादा वाले चांस है, और बारिश भी हो सकती है। और एक डिनर चल रहा है। हाँ भाई खाना चल रहा है, खाना भी हम खा ही रहे हैं, तो मैंने कहा वो टेबल नहीं दिखाऊंगा, खाना खा रहे हैं ना, अजीब सा लगता है। तो दोस्तों लेकिन आज का हमारा सफ़र इतना बेहतरीन रहा दोस्तों, पहले तो गंगा जी में नहाना हुआ, फिर आरती देखने को मिली हरिद्वार में, फिर उसके बाद हम झरने पर आए, कौन सा था, कोसधारा था वो, कोसधारा झरने पर आए, उसके बाद दोस्तों आए हम नील झरने पर, और उसके बाद हम गए नीलकंठ बाबा के यहाँ पर। तो भाई हमने ये 4 टारगेट आज कंप्लीट करें जो ऋषिकेश के थे, हमें बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद हम पूरा कंप्लीट करने के बाद हम श्रीनगर में बैठे हैं, और जिसको भी पता चल रहा है ना भाई तुम श्रीनगर पहुंच भी गए, तो बड़े हैरान हो रहे हैं कि तुम बाइक से श्रीनगर पहुंच गए सारी चीज़ करने के बाद भी, जबकि दोस्तों हमें इतना टाइम लगा है बहुत ज़्यादा। तो मस्त रहा सफ़र हमारा, और कल का इससे यूनिक और अच्छा होने वाला है, तो ब्लॉग के साथ बने रहिएगा दोस्तों। अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं ब्लॉग के साथ बद्री नारायण जी के साथ, बाय बाय एंड गुड नाइट, जय श्री राम।